कौन सा लेटेस्ट क्या देखा आपने? वो आप डिलीवरी ऐप पे खाना वाना। अच्छा अच्छा, आपने भी ज़ोमैटो देखी? नहीं, मैंने भी नहीं देखी। आपको पता है यही बातों से फिर झगड़े हो जाते हैं, लेकिन लोग इन्जॉय करते हैं। बाहर में खड़ा हुआ था एक आदमी, आया मेरे पास, कहता आपकी लड़ाई का सीजन 2 कब आ रहा है? एक और आर्टिस्ट को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा, जिनको मैं पहले भी बड़ी बार बुला चुका हूँ, आते नहीं। प्लीज वेलकम मिस्टर सुनील ग्रोवर। आपको आप आ ही रहे थे? 6 साल से बुला रहे हैं। वैसे तो मैं देखता रहता हूँ आपको अलग अलग फिल्मों में, वेब सीरीज में। मैं भी आपको बहुत आपका काम एंजॉय करता हूँ। कौन सा लेटेस्ट क्या देखा आपने? वो आप डिलीवरी ऐप पे खाना वाना। अच्छा अच्छा, आपने भी ज़ोमैटो देखी? नहीं, मैंने भी नहीं देखी। आपको पता है यही बातों से फिर झगड़े हो जाते हैं, लेकिन लोग इन्जॉय करते हैं। बाहर में खड़ा हुआ था एक आदमी, आया मेरे पास, कहता आपकी लड़ाई का सीजन 2 कब आ रहा है? कौन पूछ रहा था ये बात? ये पापराजी। पापराजी, पहले मम्मा भी राजी करो अपने, फिर। तो ये हमारी टीम है, आप सब देखते हैं, सालों से देख रहे हैं हम सबको, और ऐसी मैड टीम, ऐसे धुरंधर परफॉर्मर हो, बस हमसे नाम नहीं रखा गया। हमने काफ़ी गुप्त मीटिंग्स भी की, तो कोई निष्कर्ष निकला नहीं। नाम तो, क्या है ये तो बता देना यार। इनको मीटिंग दिखा देते जो हम लोग करी थी। अच्छा, एक्चुअली दिखाई देते। तो हमें क्या बताया था, ये बोल के निकल जाना है कि बैठ? नहीं, पता नहीं, हमें बताएंगे यहाँ बैठे तो यही भी तो दिखाएंगे वो। कुर्सियाँ गिन लो ना। कुर्सा दी गई है तो बैठा। हेलो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इतनी गर्मी है फिर भी आप लोग आए। तो हमारा जो नया शो आ रहा है, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे शो के जो हमारे आर्टिस्ट हैं उन सबको आपके रूबरू कराऊँ। सो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा, ऑफकोर्स लेडीज़ फर्स्ट, हमारे शो के इकलौती जो महिला आर्टिस्ट हैं, प्लीज़ वेलकम। थोड़ी ताली होनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कृष्णा। आज जी भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं ये साक्षात मर्द हैं। आपको कैसा लग रहा है आज पहली बार मेंस वेयर में? काफ़ी लाइट फील कर रहा हूँ मैं। ऐसा लग रहा है कि सीने पर से बोझ हट गया है। यार मैं इतना अच्छा लगता हूँ, ये एक ही बंदे हैं जो मुझे हमेशा लड़की बनाने पे तुले रहते हैं। भाई ऐसी क्या फैंटेसी है आपकी, मतलब आपको लंबी चौड़ी लड़कियां पसंद हैं? देखिए हम रहो, ऐसी बातें नहीं करते। मैं कृष्णा के बारे में, कृष्णा एक सब लोग जानना चाहते हैं कि इस नए शो में नया आप क्या कर रहे हैं? गोविंदा सर का डांस देखने को मिलेगा हमें? वो मैं करता नहीं भाई, वो तो ऐसी परफॉर्मेंस के बीच में ऐसे निकल जाता। एक्चुअली ये ना करने डांस ही आते, कॉमेडी वैसे ही इनकी निकल जाती है। सो पर वी आर वेरी हैप्पी कि हमारी टीम में ऐसे धुरंधर आर्टिस्ट हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे ऐसे क्रांतिकारी कॉमेडियन, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच, किक्कू शारदा जी। किक्कू जी आइए। हालांकि बाहर लंच चल रहा है, और लंच और डिनर का टाइम हो, फिर आप इनको चाहे ऑस्कर दे दो ये नहीं आते, लेकिन आज किक्कू भाई आए हैं। किक्कू भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे देश में किक्कू भाई वाहिद ऐसे कॉमेडियन हैं जो कॉमेडी करने के चक्कर में जेल भी जा चुके हैं, तो इस बार आप क्या ऐसा करेंगे, नया करेंगे अपने दर्शकों के लिए? देखिए ऐसा कुछ करेंगे जिसकी वजह से जेल ना जाना पड़े, बस इतना कर लेंगे। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं किक्कू भाई, धन्यवाद आप आए। और अब मैं बुलाना चाहूँगा, किसकी रिहर्सल हुई थी, किसको बुलाना? हाँ, ये जोरदार तालियां हमारे दूसरे आर्टिस्ट राजीव ठाकुर, इसलिए ये शो में आर्टिस्ट भी हैं। कैसा लग रहा है आपको? तुझे बचपन में दोस्त रख क्या लिया, तूने आर्टिस्ट मानने बंद कर दिया मेरे को। बचपन में नहीं पता होता ना कैसे लोगों से दोस्ती करनी है, या मतलब वो सब यही बंदा जो मेरी इज्जत नहीं करता, वरना अभी IC 814 उसकी अनाउंसमेंट हुई है। हाँ, उन्होंने नाम तक नहीं लिया।
नहीं पर सब लोग चाहते हैं, जब आपके आने से पहले सब मुझे बोले थे कि राजीव कुछ करेंगे अभी, तो आप क्या कुछ करके दिखाएंगे दर्शकों को? मुफ्त नहीं करता। अच्छा, नेटफ्लिक्स पे आ गए हैं, 199 रुपए लगेंगे। आपको पता है पहले नेटफ्लिक्स का ये जो पैकेज है पहले 200 रुपए का था, इसके चक्कर में उन्होंने 1 रुपया कम किया है। तो उन्होंने दर्शकों को बोला कि 1 रुपया कम दे देना, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा आपको। नहीं मजाक कर रहा हूं, मैं अब बुलाना चाहूंगा हमारे शो की जो पिलर हैं मेन, इंडस्ट्री में अब बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने 1000 रुपए का चेक तेरे बैंक में डलवाया था, उसे बाउंस करवा दूंगी। मैंने बोला था ना सारी अच्छी अच्छी बातें ही बोलना मेरे बारे में जी, हाँ। तो मैं अर्चना जी ऐसी लौह पुरुष महिला है, मतलब दिखाऊं तुझे? आप इतनी प्यारी हैं, हमारे शो की जान है, हमारा ये लकी चार्म है। और अर्चना जी नहीं होती हमें मजा भी नहीं आता। तो अर्चना जी लोग जानना चाहते हैं कि क्या कर रही हैं आप शो में? जो तू मुझे करने देगा, कुछ करने तो देता नहीं है, बिठा दिया मुझे कुर्सी पर, सारे पंच मुझ पर मारता रहता है। तू कमाता है पंच, मैं हंसती हूँ, कमाता तू है। तो आप मुफ्त में तैयार होके आई हो? ये तो है नहीं, मुफ्त में नहीं, आज के लिए पेमेंट नहीं मिली है, लेकिन बाकी शोज के लिए मिली है। चुप करना यार, अपना धंधा चल रहा है, ऐसे चलने दे। बस ये आप सोच लीजिए कि हमारे सब, हमारी सालों से दोस्ती है,